For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस का सबसे मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों अपने ट्रैक को लेकर चल रहा है नंबर वन टीआरपी में। जी हाँ, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि कैसे ये ट्रैक कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है दर्शकों को। जी हाँ, दो साल की लीप के बाद की कहानी चल रही है और कार्तिक और नायरा हो चुके हैं एक दूसरे से जुदा जुदा, और ऐसे में देखना ये है कि ये दोनों कब मिलते हैं और कैसे किस्मत इनको एक दूसरे के करीब एक बार फिर से लेकर आती है और कैसे इन दोनों में प्यार फिर से उमड़ता है। जहाँ पर पिछले एपिसोड की अगर बात करें तो आपने देखा नायरा निकलती है घर से बाहर कॉलेज के लिए, जहाँ पर वो अपना फॉर्म जमा करवाने जा रही होती है, तो वहीं रास्ते में उसको कार्तिक की भी याद आती है और वो जाती है कॉलेज में अपना फॉर्म जमा करवाने के लिए। और इसके बाद ही आपने देखा था कि कैसे कार्तिक भी होता है, जहाँ मनीष उसको बोलता है कि वो जाकर मुंबई में कॉलेज वाला प्रोजेक्ट संभालेगा, लेकिन कार्तिक पहले मना करता है और स्वर्णा भी उसका साथ देती है, लेकिन मनीष उसको बोल देता है जाने को। जहाँ पर अब कार्तिक भी नहीं मान पाता और स्वर्णा आती है उसके पास और समझाने की कोशिश करती है खूब, जहाँ पर अब कार्तिक भी निकल जाता है मुंबई के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि उससे पहले स्वर्णा उसको मंदिर लेकर जाती है, जहाँ भाभी माँ कीर्ति और उससे टकरा जाते हैं, जहाँ पर भाभी माँ एक बार फिर से स्वर्णा को चीज़ें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधे मुँह वहाँ से चली आती है और कार्तिक भी कुछ नहीं बोलता। वहीं अब आने वाले ट्रैक की अगर आपको बताएं हाल, तो उसमें आप देखने वाले हैं आज के एपिसोड में, जहां नायरा अपने पहले दिन के लिए कॉलेज पहुंचेगी, तो वहीं अब कार्तिक भी पहुंचेगा उसी कॉलेज में जहां वो आ चुका है उदयपुर से मुंबई। तो ऐसे में देखना ये है कि अब कैसे होती है उन दोनों की मुलाकात इस कॉलेज में। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।